الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وكبيرنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على محمد نوجوان دوستوں اور بزرگوں، معزز مصلیان کرام، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بیان کیا گیا. سفر معراج بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تین چیزیں اور تین انعامات، تین احسانات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں معراج سے واپسی کے وقت. وہ تین انعامات ہی آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. ان تین چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے، جو تین چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تین چیزیں معراج کے موقع پر اپنی امت کے لیے خاص طور پر دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کے موقع پر حضور کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے
की, अल्लाह को देखा और ऐसे ही जन्नत के मनाजिर अल्लाह ताला ने दिखलाए, जन्नत की नेमतें अल्लाह ताला ने वहां दिखलाई। लेकिन उम्मत के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजें खास तौर पर दी गई कि आप अपनी उम्मत के दरमियान जाकर के ये तीन चीजें उम्मत को दे दीजिए। फरमा उती अस्सलातल खम्स, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे जो तीन चीजें दी गई हैं उसमें से पहली चीज पांच वक्त की नमाजें हैं और दूसरी चीज के ताल्लुक से उन्होंने इशारा फरमाया वउती अखवातीम सूरतिल बकरा, जो दूसरी चीज अल्लाह ताला ने मुझे मेराज के मौके पर अपनी उम्मत के लिए खास तौर पर दी है वो सूरह बकरा की अखीर की दो आयतें, और तीसरी चीज के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जितने भी मोमिनीन मुवाहिदीन होंगे यानी तौहीद के मानने वाले होंगे, अल्लाह को एक मानने वाले होंगे, शिर्क से बाज रहने वाले होंगे, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक कराने वाले ना होंगे, उनकी बख्शिश का ऐलान अल्लाह की जानिब से। ये तीन इनामात और तीन चीजें, तीन एहसान अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए हुजूर के तवस्सुत से हम तक पहुंचाए। मैं एक एक पर आप हजरात के सामने रोशनी डाल रहा हूं। पहला इनाम फरमा उती अस्सलातल खम्स, मोमिनीन के लिए मेरी जानिब से आप मेराज से वापस जा रही हैं, अजीमुशान सफर से आप वापस जा रही हैं, अपने मानने वाले अहले ईमान के लिए मेरी जानिब से ये गिफ्ट और ऐलान और इनाम ले जाइए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए पांच वक्त की नमाजों का हुक्म दिया है। एक रिवाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया शुरू में अल्लाह ताला ने नमाज का जब हुक्म दिया तो 50 वक्त की नमाजें अहले ईमान और मोमिनीन पर फर्ज की गई। अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 50 वक्त की नमाजें लेकर के वापस आने लगे। दरमियान में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हुजूर से फरमाया कि हुजूर 50 वक्त की नमाज उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, इसीलिए कि मैं आपसे पहला नबी हूं, आपसे पहले आया हूं, आपसे पहले दुनिया में अपनी उम्मत की रहबरी करके आ चुका हूं, मुझे इंसान और लोगों का तजर्बा है कि 50 वक्त की नमाज की अदायगी उनके लिए मुश्किल होगी, आप बराए मेहरबानी वापस जाएं और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ की और कुछ कम करने की गुजारिश करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम चूंकि सीनियर हैं आने के एतबार से, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बात मानी और वापस गए, दरख्वास्त लगाई कि ज्यादा हो रही है उम्मत के लिए मशक्कत और परेशानी का बाइस होगी, आप रहम फरमा करके तकफीर फरमा दीजिए, घटा दीजिए, और पांच नमाजें घटा दी गई, 45 बजी। दोबारा वापस आए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से फिर मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फिर कहा मुश्किल काम है, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से बार बार मुलाकात होती रही, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बार बार वापस भेजते रहे कि आप तकफीर की दरख्वास्त करते रहे, यहां तक कि पांच नमाजें रहे। इस बार भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फिर कहा अब भी ज्यादा है और चले जाएंगे, हुजूर ने फरमाया अब मुझे जाते हुए हया आ रही है, अब मुझे जाते हुए शर्म आ रही है, अब मैं घटाने और तकदीर करने की दरख्वास्त नहीं करूंगा। अल्लाह की जानिब से पुकार लगाई गई कि आप पांच पर राजी हो गए, अब तकदीर और घटाने की दरख्वास्त नहीं कर रही हैं, लेकिन हम अपनी बात पर अटल हैं
और हमने 50 नमाजें फर्ज की थी, तो आज हम 5 नमाजों पर भी 50 नमाजों का ही अजर और सवाब देंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाजें लेकर दुनिया में तशरीफ लाए और उम्मत को इनका हुक्म दिया कि अल्लाह की जानिब से ये 5 नमाजें हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज की गई। ये तो मैंने पहला हदिया और पहले इनाम का मेराज के सफर की रोशनी में खुलासा बयान किया है। बाकी इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सैकड़ों हजारों रिवायात में इसके बाद नमाज की जानिब जो तवज्जो दिलाई है, उससे नमाज की अहमियत, नमाज की फजीलत, अल्लाह की नजर में नमाज का मकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में नमाज की हैसियत समझ में आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक रिवायत हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया, इन्न अहलकुम इदा सल्ला, लोगों गौर से सुन लो, जब तुम में से कोई बंदा नमाज पढ़ता है, जब तुम में से कोई बंदा नमाज की इबादत करता है, युनाजी रब्बहू, तो वो अपने रब से बातें करता है। नमाज पढ़ना गोया के रब से बातें करना है, नमाज पढ़ना गोया के पैदा करने वाले से सरगोशी करना है, नमाज पढ़ना गोया के अपने मालिक से मुलाकात करना है। अब आप किसी से अंदाजा लगा लें, जिस इबादत को अंजाम देने वाले को यूं कहा जा रहा है कि जो इस इबादत को अंजाम दे रहा है, जो इस इबादत को कर रहा है, गोया के वो अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक रब्बुल आलमीन से बातें कर रहा है, तो उस नमाज और उस इबादत का मकाम और हैसियत समझी जा सकती। और इसी पर बस नहीं, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से मालूम किया गया, अय्युल आमाली, कौन सा अमल अहब्बु इलल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर से ये सवाल किया जा रहा है, आपसे मालूम किया जा रहा है, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब तरीन अमल कौन सा है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई 50,000 रुपए या 50 करोड़ रुपए सदका खैरात कर दें, या 10 हज कर लें, 5 उमरे कर लें, ये सारी बातें हुजूर ने नहीं फरमाई आपसे, जबकि सवाल ये है, अय्युल आमाली अहब्बा इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा बेहतरीन है, कौन सा अमल अल्लाह की नजर में महबूब और पसंदीदा है। हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके अपने वक्त पर अदा करना यह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है। और फरमाया इसके बाद हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, इसके बाद फिर अपने वालिदैन वालिदैन के साथ उसने सुलूक का मुजाहरा, सबसे बेहतरीन इबादत करार दे रही है हुजूर इस रिवायत में नमाज को, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा बता रही है नमाज को। और उसी नमाज के ताल्लुक से जो मेराज का एक अजीम तोहफा है, हुजूर की पसंदीदा इबादत है, अल्लाह की पसंदीदा इबादत है, और जिसकी इबादत के करने वाले को यूं कहा जा रहा है कि अल्लाह से बातें करता है, उसी नमाज के ताल्लुक से अहले ईमान और मुसलमान कितने काबिल हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो जब हम दुनिया देखें, पूरे समाज और माशरे में अगर आप सर्वे करें, मुश्किल से 3 या 4% लोग ही नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ, इससे ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते। जबकि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत की है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि अगली रिवायतों में तो नमाज को ईमान और कुफ्र के दरमियान दीवार बतलाया जा रहा है। चुनांचे रिवायत में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك ترك الصلاة, कि ईमान और कुफ्र के दरमियान, मोमिन और गैर मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है।
अगर किसी ने नमाज को छोड़ दिया तो उसका कोई शुमार अहले ईमान में नहीं है। ये इतनी सख्त वादियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी सफर मेराज के मौके पर मिलने वाले पहले तोहफे और पहले इनाम के ताल्लुक से फरमाई। और एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अहदु लजी बैनना व बैनहुम तर्कुस सलाह। साहबा फरमाते हैं जब हम में से कोई नया मुसलमान होता तो हम उससे सिर्फ ये अहद पैमान लेते कि तुम नमाज नहीं छोड़ोगे। यानी कहने का मतलब यह कि अगर तुम नमाज छोड़ दोगे तो तुम दोबारा ईमान से खारिज हो जाओगे। और एक 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 साहबा का मकबूला साहबा के दरमियान ये मशहूर था। साहबा कहते थे ला यरून शैअन मिन अल आमाल तर्कुहु कुफ्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा नमाज के अलावा किसी भी अमल को ईमान से खारिज करने वाला नहीं समझते थे। ज़कात न देने वाले को गुनहगार समझते थे, हज न करने वाले को गुनहगार समझते थे, बद निकाही करने वाला गुनहगार था और चोरी करने वाला गुनहगार था और दीगर तमाम गुनाह करने वाला गुनहगार था। लेकिन साहबा उस इंसान को जो नमाज छोड़ देता था उसको सिर्फ गुनहगार नहीं ईमान से खारिज समझते। इन हदीस की रोशनी में हमें अपने समाज माशरे और अपने दिल का जायजा लेना। हमारे घर में कितने अपराध हैं, कितने बालिग मर रहे हैं, कितनी बालिगा औरतें हैं और वो कितनी नमाज की पाबंदी करती हैं। ये मेयार करार दिया जा रहा है ईमान का और इसको बुनियाद और असास बताया जा रहा है नमाज का। और साहबा का मामूल यह है कि वो नमाज जान बुझ कर छोड़ने वाले को ये समझते हैं कि गोया के ईमान से खारिज हो गया। इसके बावजूद उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर की उम्मत कहा रही है कि उन 100% में से 3 से 4% लोग नमाज पढ़ते हैं और वो 4-5% जितने भी पढ़ते हैं उसके अलावा जो 95% है उनको नमाज की कोई खैर खबर ही नहीं होती। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह नमाज का हुक्म खुसूसी उन औकात में दिया गया है, खुसूसी हिदायत खुसूसी हदायत में दिया गया है। इनामात खुदाबंदी है, अल्लाह की जानिब से एहसान के तौर पर यह हुक्म दिया जा रहा है। हम मोहब्बत का धन तो भरते हैं, जबान से खूब चीख चीख करके हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, आशिक रसूल हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कुर्रतु अईनी अस्सला, मुझसे मोहब्बत का दम भरने वालों मेरा ये फरमान भी सामने रखो कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो माशूक होता है वो अपने माशूक होता है अपने आशिक को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, उसकी राहत खुशी सुकून और इत्मीनान के लिए तमाम कोशिश करता है और उसकी आंखों को ठंडा करना चाहता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और हमारे समाज और माशरे का जहर यह भी है कि बेनमाजी सिर्फ नौजवान नहीं है, जिनकी उम्र दराज हो गई है बेनमाजी, जो बच्चे जो नौजवान है वो तो है ही, हमारे नौजवानों की तादाद तो 99% नाम बेनमाजी है। जो उम्र दराज हो चुके हैं जो 50 से प्लस है वो भी बेनमाजी है और दावा भरते हैं दोनों हाथ नवा में हिला करके अमाशद रसूल ने हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। ये झूठी मोहब्बत है, अल्लाह की नजर में इस मोहब्बत की और इस धर्म की कोई हकीकत नहीं। महबूब और हबीब के दरमियान का जो ताल्लुक है वो अपने हबीब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पसंदीदगी का इजहार फरमा रही है और अपनी खुशी का इजहार फरमा रही है नमाज के जरिए से। और साफ लफ्ज में कह रहे हैं कुर्रतु अईनी फिस्सला, लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। अब अगर कोई सच्चा आशिक रसूल है और सच्चा इश्क करने वाला है तो अपने अंदर गौर करें कि अगर उसको सच्ची मोहब्बत है तो उसके साथ नमाज से उसका ताल्लुक कितना मजबूत। लम्हे फिक्रिया है, हमें अपने बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, हर गरीब अपने अपने गरीबान में हर इंसान को मुंह डालना चाहिए। और एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, बगैर सुकून और पिलर के बिल्डिंग नहीं रहती और बगैर नमाज के ईमान नहीं रहता। ये बताना चाह रहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ان تمام روایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا کر ہر گھر نوجوان بوڑھے بچے سب سے یہی پیغام دینا مقصد ہے کہ نماز اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک خاص تحفہ ہے, نماز اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک خاص انعام اور احسان ہے. اس میں غفلت اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں ہے. روز محشر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہی معلوم کرے گا نماز کے تعلق سے, اور یہی سوال کیا جائے گا کہ میری جو زندگی کے قیمتی ایام دیے تھے ان روزوں دن کے ایام اور اوقات میں نماز جیسے فرض عبادت کو تم نے کتنی اہمیت کے ساتھ ادا کیا. یہ وہ خاص انعام ہے, خاص ہدیہ ہے, خاص احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہم تک پہنچا ہے, معراج پر بلا کر حضور نے ہم کو یہ انعام اور احترام دیا ہے. اس لیے تمام لوگوں سے درخواست ہے اور تمام لوگوں سے یہی امید اور گزارش اور توقع ہے کہ آج کے بعد ان روایات کو سننے کے بعد اپنے گھر میں بھی یہ بات بتائیں گے جا کر کے, اور خود بھی 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے تمام حضرات. یہاں تہجد اور نوافل کی بات نہیں, فرائض کی بات چل رہی ہے. اگر آپ 5 وقت کی فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے لگیں گے آپ سے بڑا بلی کوئی نہیں ہے. اس زمانے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. آدمی نے مشغول اپنے آپ کو اتنا کر لیا, مصروف بھی اتنا اپنے آپ کو بنا لیا ہے. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنا گویا کہ اس زمانے کا بلی ہے. اس لیے اپنے گھر میں بھی ہر پہلے مرد عورت نے بات بتلائی, اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو تحفہ معراج کے موقع پر ملا ہے اس کے بارے میں سمجھائے کہ حضور کو یہ تحفہ ملا تھا, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے. اور دوسرا تحفہ اور انعام جو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر دیا وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے ان 2 آیتوں کے بارے میں آمن الرسول سے آخر تک ان 2 آیتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, یعنی رات کی تمام مشقتوں اور پریشانیوں سے اس کی حفاظت یہ 2 آیتیں پڑھنے کی برکت کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے قیمتی خزانوں میں سے نکال کر کے دی, اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا یہ آخر کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عرش کے جو قیمتی سائے میں اور عرش کے قیمتی جو خزائن ہیں ان خزائن میں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں مجھے ہدیہ اور انعام دی. ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا. فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, رب ان آیتوں میں سکھلا رہا ہے بندے کو کہ تجھے رب سے کیسے مانگنا چاہیے. اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں یوں مانگنا چاہیے, اللہ سے کہو یا اللہ میری تمام بھول چوک کو معاف کرنا, اور فرما ولا تحمل علینا اصرا کما حملت, میرا پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں نہ اٹھا سکوں جیسے کہ پہلے لوگوں پر ڈالا گیا, اور مجھے اتنی سختی اور اتنی مصیبت والی عبادات کا مکلف نہ بنا, ان پریشانیوں کا مکلف نہ بنا جن کی پریشانیوں کو میں نہ برداشت کر سکوں. وعفنا مجھے معاف فرما دیجیے, وغفر لنا مجھے بخش دیجیے. یہ ان آیتوں کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عزیز کی خاص طور پر مومنین کے لیے معراج کے موقع پر دی. اور تیسرا انعام اور تیسرا ہدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کے موقع پر ہمارے لیے یہ دیا ہے, فرمایا غفر له لمن لا يشرك لمن لم يشرك بالله. اے حضور اپنے امتیوں سے یہ بات بتلا دیجئے جا کر کے جو بھی شرک نہیں کرنے والا ہے, جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے, تو ایک کا قائل ہے, رب کی عبودیت میں کسی کو سازی اور شریک نہیں مانتا ہے, اس کے لیے اعلان اللہ کی جانب سے یہ اس کی مغفرت ہو جائے. اس روایت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا روز قیامت تو کبائر بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے, اور چھوٹے کو تو اللہ تعالیٰ یوں دنیا میں درگزر کرتا رہتا ہے, لیکن بڑے اور چھوٹے گناہ اسی کے معاف ہوتے ہیں جو مومن ہو, اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ کی وحدانیت اور توحید کا قائل ہو. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت اور توحید کا قائل نہیں ہے, اللہ کا کسی کو پارٹنر مانتا ہے اور کسی کو اللہ کا شریک اور ساتھی مانتا ہے,
تو پھر ایسے انسان کی بخشش کا کوئی اعلان نہیں ہے, بلکہ صاف طور پر کہا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مشرک کی شرک کرنے والے کی اللہ کے ساتھ پارٹنری کرنے والے کی بخشش کا کوئی ارادہ نہیں, اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم دیا تھا. یہ تین عام تین احسان اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر معراج کے لیے معراج کے موقع پر دیے ہیں, اس میں سے سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز اور دوسرا انعام سورہ بقرہ کی اخیر کی دعائیں, لہٰذا ان دعائیں کو رات کو پڑھ کر کے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے, خود بھی زبانی یاد کر لینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ جو شرک سے بچنے والے ہیں اللہ میں ایک مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مغفرت فرمائے گا. اللہ ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے گا.